ट्रिगन साहब के वर्कर्स की जानिब से जो है वो एहतजाज जो है वो सिलसिला जारी है। मीडिया पे ये चीज़ें चल नहीं रही है, लेकिन कोर कमांडर लाहौर जो है और कैंट का जो इलाका है वो खासा इस वक्त जो है मैदान जंग बना, पुलिस और रेंजर्स की जानिब चैलेंज की जा रही है। ट्रिगन साहब की सरगर्म कारकुन सनम हमारे साथ मौजूद है। सनम, आज भी आप मौजूद हैं, क्या सुबह से देख रही हैं आप? सुबह से हम लोग भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया ब्लैकआउट है, क्या चीजें तमाम चल रही है सुबह से? देखिए, आवाम जो है उनको बहुत गुस्सा था, इनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि आवाम बहुत गुस्से में रहेगी। आपने लोगों का पसंदीदा लीडर उठाया, वो आपको फूल नहीं फेंकेंगे, आपको गले नहीं लगाएंगे, वो ऑब्वियसली ये रिएक्शन देंगे। आपको बार बार बताते तो रहे हैं कि भाई हमने पहले भी इतनी शेलिंग खाई, इतनी मारे खाई, रबड़ बुलेट खाए, आपके ये वाटर कैनन खाए जहरीले पानी के, तो इसीलिए ना कि हमारा लीडर महफूज था। आपको बार बार बताते रहे कि हमारे लीडर पे इस तरह ना हाथ डालना, इस तरह करोगे तो हमें भी जो समझ आएगा वो करेंगे। यहाँ पूरी लीडरशिप लोगों को मना करती रही कि पूरा मन रहे, पूरा मन रहे, किसी ने सुनी ही नहीं। लोग बहुत शदीद गुस्से में थे, बिल्कुल पागल हुए पड़े थे। उनको जिस तरह खान साहब को लेकर गए, धक्के मारते, गिरे बांध से पकड़ते, कोई बंदा भी देखे पागल हो जाए। जो सपोर्टर है स्पेशली, आपको पता नहीं कि वो खान साहब के लिए कितना सेंसिटिव है। थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ आ जाएं, और थोड़ा सा अगर हम बात करें इस हवाले से कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है वो, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे घसीट के लेके जाना, किस तरह कोई मुजरिम हो वो उसको पकड़ना, उसके बाद आज तो इतने कारकुन भी उनके साथ नहीं थे हाईकोर्ट के अंदर अहाते में, उसके बाद भी उनको ऐसे पकड़ लेना और घसीट के लेके जाना, इस सारा मसला ही यही है ना कि जब आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास चले जी वारंट है, उसके उसके वारंट है, मगर वो कोई दहशतगर्द थोड़ी है। आप उसको किस तरह से धक्के मारते ले गए, आपके पास क्या राइट था कि आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपने गिरे बांध से पकड़ लिया? आप लोग को शर्म नहीं आई? आपने क्या बताया लोगों को? हम इतने घटिया से लोग हैं कि हमारी अपनी सियासी मुखालफत में विसत तक गिर जाएंगे। जख्मी बंदा, उसकी टांग में ऑलरेडी मसला है, उसको वहां पे टांगों पे मारा आपने, मतलब आप लोगों को में गैरत नाम की चीज नहीं है। थाना सुनाउल्ला हो या मामले की दूसरी अदालत, वो कहते हैं जी एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसके अंदर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी राणा साहब ने कभी ये चीजें देखी नहीं है ना कि चोरी चकारियां करो और उसमें यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने कभी जिंदगी में किसी ना स्कूल बनाए, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज बनाए, ये तो चोरियां चकारियां करके बनाते हैं भाई जदादे। इन लोगों को चोरियां चकारियां का शेलिंग का सिलसिला नाजिन आपको साथ साथ बता रहे हैं, बुरी तरह से शेलिंग जो है यहाँ पे जारी है, रेंजर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, नफरी बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ के कारकुनों पे शेलिंग का सिलसिला क्या देख रहे हैं सनम? अपनी आवाम के, अपने आवाम के शेल होगा, आपका एक बजाय से कुछ नहीं होगा। आप जिस तरह उसको लेकर गए, आपको भुगतना पड़ेगा, आपके पास उसके वारंट का आप में रहते हुए उसको लेकर जाते, ये कोई तरीका नहीं। नाजिन सनम हमारे साथ मौजूद थी, ये सूरत हाल है यहाँ पे, अच्छी खासी शेलिंग जो है वो जारी कर दी, फिर शुरू कर दी गई है सनम, और यहाँ पे जो शेलिंग है वो बड़ी तादाद में फिर शेल फेंके जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये शेलिंग जो है वो जारी है, ये शेलिंग शेल फेंके जा रहे हैं पुलिस की जानब से, रेंजर्स की जानब से, शदीद शेलिंग का सिलसिला जो है इस वक्त फिर जारी हो गया। ये कोर कमांडो लाहौर के बाहर का हिस्सा है और कारकुन आपस में जब शेलिंग होती है कारकुन नदी में भागने लगाते हैं और शेल उठा के वापस फेंक रहे हैं, और ये सूरत हाल है। शरीर नारेबाजी कोर कमांडर लाहौर का जो ऑफिस है वो वहाँ पे मौजूद है। शदीद सेलिंग तरीके साहब के कारकुनों पे फिर शुरू कर दी गई है यहाँ पे, लगातार शेल फेंके जा रहे हैं। रेंजर्स, अगर मैं मेरा कैमरा में दिखा सकूं, रेंजर्स वहाँ मौजूद है, रेंजर्स आ गए हैं और रेंजर्स जो है पथराव कर रहे हैं, वापस फेंक रहे हैं शेल और पत्थर जो है वो वापस कारकुनों पे फेंके जा रहे हैं। और रेंजर्स कोर कमांडर हाउस जो है यहाँ पे इस जानी मौजूद है, जबकि रेंजर्स की जानब से जो है वो आगे को पेशकदमी की जा रही है, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे कारकुनों की जानब से। बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पे मौजूद है, तरीके साहब के वर्कर्स मौजूद है, उनका फिर शेलिंग का सिलसिला आगे। मैं कैमरा में दिखा सके, ऊपर से शेल आए, ये शेल आगे गिरे, शेल आगे गिरा है। नाजिन यहाँ पे सूरत हाल जो है वो हासी कशीदा है और शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। Thank you.